जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। 26 जनवरी 1950 बॉम्बे को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश बड़े उत्साह से अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों और बहन को लेकर दादर टीटी सर्कल से ट्राम पे सवार होकर गणतंत्र दिवस की खुशी मनाते हुए जगमगाते बॉम्बे का नजारा उन्हें दिखाता है। शाम को जब वह अपने घर लौटता है तो उसकी माँ बताती है कि फेमस सीने वेल्डिंग के ऑफिस से कोई आया था, तुम्हें कल वहां बुलाया गया है। अगले दिन वह माटुंगा से बेस्ट की बस पकड़कर महालक्ष्मी के फेमस सीने बिल्डिंग पहुंचता है। वहां उसका एक प्रोड्यूसर मित्र बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करता है। प्रोड्यूसर मित्र कहता है, 5 साल पहले तुमसे किया हुआ वादा पूरा करने का दिन आ गया है दोस्त, मेरी कंपनी की दूसरी फिल्म तुम डायरेक्ट करने जा रहे हो। वह बहुत खुश होता है क्योंकि 3 साल की बेरोजगारी के बाद उसे पहली फिल्म डायरेक्ट करने को मिल रही है। उस प्रोड्यूसर मित्र का नाम होता है देवानंद और माटुंगा से आया उस नौजवान का नाम है गुरुदत्त। फिल्म बाजी की कहानी पर गुरुदत्त के साथ बलराज साहनी काम शुरू करते हैं। देवानंद प्रोड्यूसर के साथ इस फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं। वह एक बेरोजगार टैक्सी ड्राइवर और जुआरी की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि गीता बाली उस फिल्म में क्लब डांसर नीना की भूमिका में है। गुरुदत्त इस फिल्म की कहानी में नायक का नाम मदन रखते हैं। इसकी वजह है कि अशोक कुमार की रिकॉर्ड तोड़ सफल फिल्म किस्मत में हीरो का नाम मदन है। उस फिल्म को इनके गुरु ज्ञान मुखर्जी ने निर्देशित किया था, जिसमें गुरुदत्त उनके असिस्टेंट थे। बलराज साहनी हर शाम गुरुदत्त के घर माटुंगा आते हैं, जहां पूरी पूरी रात दोनों स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। चूंकि गुरुदत्त की यह पहली फिल्म है, इसलिए उनके असिस्टेंट और टीम चुनने की जिम्मेवारी देवानंद खुद लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में गायक बनने आए एक लड़के को देवानंद अपने ऑफिस बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो तुम। वह कहता है, म्यूजिक डायरेक्टर के घरों का चक्कर लगा रहा हूँ। देव कहते हैं, तुम फिल्मों में किसी डायरेक्टर को असिस्ट क्यों नहीं करते। वह हिचकिचाता है, लेकिन देव समझाते हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं, उसका तजुर्बा हो जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मेरा दोस्त गुरुदत्त नवकेतन की फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, तुम उसे असिस्ट करो। वह गायक पहली बार गुरुदत्त का नाम सुनता है। किसी को नहीं पता था कि यह नाम जल्द ही हिंदुस्तानी सिनेमा के आसमान में चमकने वाला है। वह गुरुदत्त से मिलता है। गुरु पूछते हैं, तुम्हें हिंदी लिखने और पढ़ने आती है, क्योंकि स्क्रिप्ट हिंदी में है। वह पंजाब का नौजवान है जिसे उर्दू लिखने आती है, हिंदी नहीं। वह काम पाने के लिए झूठ बोल देता है कि हाँ आती है। उस गायक का नाम होता है राज खोसला। बाद में CID, मेरा साया, वो कौन थी, मेरा गांव, मेरा देश और दोस्ताना जैसी सुपरहिट फिल्मों के वे निर्देशक बनते हैं। बलराज साहनी बाजी की स्क्रिप्ट खत्म करने के बाद निर्माता के आसिफ की फिल्म हलचल की शूटिंग करने लगते हैं। वहाँ सेट पर उनकी मुलाकात एक एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट से होती है, जो बॉम्बे के हॉकरों का नकल बहुत अच्छा करता है। साहनी उसे लेकर देवानंद के ऑफिस नवकेतन आते हैं। वहाँ उस एक्स्ट्रा से कहते हैं, तुम थोड़ी देर बाद अंदर आना। ऑफिस में साहनी, चेतन आनंद, देवानंद और गुरुदत्त बैठे बातें कर रहे हैं। तभी वो एक्स्ट्रा शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और लड़खड़ाती जबान में मनोरंजन करता है। तभी बलराज उस एक्स्ट्रा को सबको सलाम करने को कहते हैं। वह बहुत ही विनम्रता से सभी को सलाम करता है। गुरुदत्त उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसको उसी वक्त फिल्म बाजी में एक छोटा सा रोल दे देते हैं। उस एक्स्ट्रा का नाम होता है बदरुद्दीन, जिसे दुनिया बाद में हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर के नाम से परिचित होती है। नवकेतन के पसंदीदा संगीतकार SD बर्मन खार रोड के होटल ग्रीन में किसी फिल्म की म्यूजिक सेटिंग कर रहे हैं। कमरे के बाहर
प्लीज डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है। तभी एक लंबा छरहरा नौजवान सीधे अंदर दाखिल होता है। सचिन दा उससे पूछते हैं, बाहर बोर्ड नहीं दिखा, कौन हो तुम? वह नौजवान पसीना पोंछता हुआ कहता है, जनाब गुस्ताखी माफ हो, जिंदगी में खुद में बहुत डिस्टर्ब हूँ, काम की तलाश में फिल्म कंपनियों के चक्कर लगा रहा हूँ, एक गीतकार हूँ और मुझे काम चाहिए। सचिन दा उसे बिठाते हैं और फिल्म की कहानी सुनाकर हारमोनियम पर एक धुन बजाते हैं। इसमें गीत लिख सकते हो? वह गीतकार थोड़ा घबराता है। अभी लिखनी है क्या? सचिन दा कहते हैं, हाँ अभी लिख सकते हो तो फटाफट बोलो। गीतकार कहता है, जरा दोबारा धुन बजाएंगे। सचिन दा की उंगलियां हारमोनियम पर चलने लगती हैं और इस नौजवान की कलम से शब्द फूटते हैं। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां, तुम हो यहाँ, कैसे भुलाए। सचिन दा इस गीतकार से इतना प्रभावित होते हैं कि उसके साथ एक सफल जोड़ी बना लेते हैं। उस गीतकार का नाम होता है साहिर लुधियानवी। फिल्म नौजवान के सुपरहिट गाने से साहिर रातों रात प्रसिद्धि पा लेते हैं। नवकेतन में फिल्म बाजी के लिए गुरुदत्त जब गीतकार के नाम पे चर्चा शुरू करते हैं तो सचिन दा साहिर लुधियानवी का नाम पेश करते हैं। राज खोसला भी साहिर की तालिखियां पढ़ चुके हैं। वे गुरुदत्त और देवानंद से साहिर की शायरी की तारीफ करते हैं। नवकेतन कंपनी साहिर को साइन कर लेती है। तब तक नौजवान फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उसकी शूटिंग चल रही है। हालांकि नौजवान के रिलीज से पहले फिल्म इंडस्ट्री में साहिर से सभी लोग बड़े अदब से मिलते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा शायर भी मानते हैं, लेकिन गीतकार के रूप में कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता। सचिन दा और साहिर की जोड़ी फिल्म बाजी के संगीत पर काम करना शुरू करती है। साहिर के लिखे गजल को सचिन दा वेस्टर्न म्यूजिक शैली में ढालते हैं। साहिर के पूछने पर वह कहते हैं कि फिल्म में सिचुएशन है जहां इसे क्लब में गिटार पे गाया जा रहा है। साहिर बहुत नाराज होते हैं कि आपने मेरी गजल को क्लब गीत क्यों बना दिया, ये गजल के साथ नाइंसाफी है। मगर सचिन दा उनकी एक नहीं सुनते। जब गीत बेहद कामयाब होता है तो साहिर महसूस करते हैं कि शब्दों के साथ म्यूजिक का अपना एक जादू होता है। जो गजल है तदबीर सी बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। फिल्म के मुहूर्त के दिन गुरुदत्त का पूरा परिवार फेमस स्टूडियो पहुंचता है। शूटिंग की शुरुआत तदबीर से बिगड़ी हुई गाने के फिल्मांकन से होता है। गुरुदत्त यह गाना गीता बाली पर फिल्माते हैं। गुरु का पूरा परिवार इस गाने की गायिका का मुरीद बन जाता है। गुरुदत्त इस फिल्म की गायिका गीता राय से अपना परिवार को मिलाते हैं। गीता और गुरु अक्सर मिलने लगते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की गायिका गीता राय जब भी गुरु के घर माटुंगा आती है, उनके रसोई में माँ की मदद करती है, सबके साथ जमीन पे बैठकर खाना खाती है। गुरु की माँ वसंती पादुकोण को गीता बहुत संस्कारी और विनम्र लगती है। वह पूरे पादुकोण परिवार की चैती बन जाती है। उनके घर जब भी वह अपनी पसंदीदा बंगला गाना तुम ज्योति बोलो भालो भाषा गाती है, गुरुदत्त बहुत खुश होते हैं। 2 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। बाजी एक हल्की फुल्की रोमांचक अपराध कथा है। सबसे बेहतरीन दृश्य फिल्म के गानों का चित्रांकन है। बड़ी ही बारीकी और नफासत से गुरुदत्त दृश्यों में रोमांच पैदा करते हैं। सुनो गजर क्या गाएं गाने में गुरुदत्त ने क्लोजअप और लय का बेहतरीन मिसाल पेश किया है। नीना गीता बाली को मदन देवानंद को मारने की चाल का पता चल चुका है। वह उसे अलर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि उस पर नजर रखी जा रही है। मदन मेहमानों के साथ एक टेबल पर बैठा है और कातिल बार के पास खड़े हैं। गाने में गुरुदत्त तनाव का माहौल जबरदस्त बनाए हुए हैं जिससे कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। नीना और डांसर के साथ सबकी आंखों का क्लोजअप, एक कातिल जैकेट से रिवॉल्वर निकालता है, दूसरा कातिल का क्लोजअप, दूसरा चाकू निकालता है। गाने के अंत में गोली चलने की उम्मीद करते हैं लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गाना खत्म हो जाता है। अपनी पहली फिल्म में गुरुदत्त का यह अनोखा प्रयोग है। फिल्मबाजी का पहला शॉट है जिसमें एक आदमी कैमरा की तरफ पीठ किए बैठा है। एक कार आके रुकती है, उसमें से पेड्रो राशिद खान उतरता है और जुआ घर की तरफ जाता है।
कैमरे की तरफ पीठ किया हुआ आदमी जब पलटता है तो हम देखते हैं वह गुरुदत्त होते हैं। फिल्म शूटिंग के दौरान चेतनानंद को गुरुदत्त के कुछ शॉट्स पसंद नहीं आते, दोनों में बहस हो जाती है। गुरुदत्त शूटिंग छोड़कर चले जाते हैं, वह फिल्म छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन देवानंद उन्हें किसी तरह मनाकर वापस लाते हैं और स्टूडियो में ऐलान करते हैं कि गुरु को काम में दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए इसे अपना काम करने दिया जाए। शूटिंग दोबारा शुरू होती है। फिल्म आवारा और बाजी एक ही साल 1951 में रिलीज होती है। आवारा का राजू और बाजी का मदन दोनों 50 के दशक के नायक हैं। उस दौर के बेरोजगार युवाओं में अपराध और अनैतिक मूल्यों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा है। नायिका सामाजिक अंतर को नजरअंदाज करती है और मानती है कि गुनहगारों को भी प्यार में बदला जा सकता है। इस फिल्म में देवानंद को गीता बाली चाहती है, लेकिन देवानंद एक डॉक्टर रजनी से प्यार करते हैं। डॉक्टर रजनी की भूमिका निभाने वाली उस अभिनेत्री की यह पहली फिल्म होती है। उस अभिनेत्री का नाम होता है कल्पना कार्तिक, जो 1954 में देवानंद की धर्मपत्नी बनती है। जुलाई 1951 में फिल्म बाजी रिलीज होती है और सिल्वर जुबली मनाती है। गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में एक बड़ी पहचान मिलती है। गुरुदत्त के परिवार को इस फिल्म का तत्काल फायदा यह होता है कि उनके माटुंगा वाले फ्लैट के दोनों बेडरूम में सीलिंग फैन लग जाते हैं। बाजी के बाद गुरुदत्त के लिए चेतन आनंद के होते हुए नवकेतन में काम करना असंभव जान पड़ता है, इसलिए गुरुदत्त एक नया निर्माता ढूंढते हैं और अगली फिल्म जाल की घोषणा करते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका उनके अजीज दोस्त देवानंद ही निभाते हैं। तो ये थी आज की कहानी, किस्सा। ऐसे अन्य किस्सों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कह सकते हैं। ऐसी कहानियां यहां आती रहती है, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।